राधे सभी कृष्णवस को, सभी अविश्वास के व्यवस्थ को मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविश्वास में, आपके अपने चैनल अविश्वास में। तो हम करने जा रहे हैं अभी पूजा, बस जस्ट ही। तो आज है माँ स्कंद माता का दिन और आज का भोग है केले का। और आज का जो ड्रेस कोड है वो व्हाइट, तो पूरी व्हाइट साड़ी तो वही मैं पहनूंगी नहीं, ना पहन सकते हैं। तो इस साड़ी में हाफ में व्हाइट है और हाफ में पिंक है, ग्रे है, तो इस तरीके से डाली है। शुनू और शुनू का डाटा ने भी मिक्स करके ऐसे ही व्हाइट पहना है। तो अभी हम करने जा रहे हैं पूजा। आगे की वीडियो बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। वीडियो अच्छा लगे तो एंड में राधे राधे जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूले। बोल साचे दरबार की जय, महारानी के प्यार की जय। मैं मेरी छिया पहाड़ वाली माता तेरी सदा ही जय, मैं मेरी जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। दान
सिंह सुन दानव दान दानव तुम्हारे रक्त भी शक्कर जा रहे मैं तो तुझे कहीं वाले से एक बार मैं बुलाने को करा दिया था स्कंद माता की जोत दर्शन कर लो, जोत ले लो, स्कंद माता के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे, सब पर कृपा बनाए रखें। यहाँ हमारा अंतु बैठा है, हमारे प्यारे ककुलन और हमारे प्रभु जी बार बार मुकुट गिरा रहे हैं आजकल, और मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं साइलेंट मोड पे हो गई हूँ। देखना बच्चों, तो यहाँ पूरे घर में अग्नि गई है प्रतिमा की, हर घर के कोने में माता का विश्वास, हर एक कोने में आए उच्चाए, जैसे कि लंबे नहीं हो पाए। यहाँ हमारी बैठी है महामाई, अपनी मम्मा के पास बैठ के चाय पी रही हूँ। मैं और सुन्ना जी बैठ गई हैं और यहाँ सुन्नू देख रही कार्टून। अभी तो सुन्ना का क्या है कि टीचर होमवर्क करने का टाइम है, लेकिन नवरात्र के चलते ये एक्साइटमेंट में नाइट में ही कर लेती है, तो अभी हमारी जैसे टीवी देख रही है। 3 बजे ट्यूशन चली जाएगी और मेरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और फिर जब मेरी क्लास खत्म होती है, जब इसका ट्यूशन खत्म होगा, जब ये भी आ जाएगी, फिर अगेन पूजा पाठ का टाइम, खाना पीना शुरू। और आप सभी का नवरात्र कैसे चल रहे मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और अब हो गया है शाम का समय, संध्या पूजा के बाद ये चाय और पापड़ का नाश्ता, उसके बाद कुछ खाने का देखेंगे। शुन्नू खा रही है पापड़ और हम देख रहे हैं सिमर, एक ही सीरियल है जो मैं देखती हूँ, बाकी टाइम नहीं होता। मामाई के दर्शन के बाद अब हम लगे काम पर। तो वैसे तो किचन में मुझे पता नहीं कि हर बार ब्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बट मैं थोड़ा मोड़ा क्लिप शूट कर ली किस तरीके से किचन में काम होता है नवरात्रि पर। तो यहाँ पर कैमरा सेट हो रहा है, मुझे ट्राइपॉड लगाने में बहुत आलस लगता है कि उसको उठाओ लगाओ ये करो वो करो, मैं सोचती हूँ कहीं मर्जी फ़ोन रख दूँ और मैं शूट कर लूँ। तो यहाँ मेरी फ़ोन की सेटिंग ही नहीं हो पा रही है, कुछ भी करके सेटिंग करने की कर रही हूँ कोशिश,
तो मैंने एक्चुअली मेरा ना अवन जो है वो हो गया है ख़राब, तो अभी जब तक नया नहीं आ जाता जब तक मुझे कुकर में ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने किए हैं आलू बॉईल और मैं बनाने वाली हूँ आज डोसा। तो चटनी की तैयारियाँ और डोसा के लिए आलू बॉईल किए हैं और आलू के साथ मैंने एक और चीज़ बॉईल किया वो है घिया टमाटर, जिससे मैं सांभर बनाती हूँ। तो मैंने आलू उनमें धो कर के डाल दिए थे ताकि सब कुछ एक साथ ही बॉईल हो जाए, क्योंकि आलू बड़े हैं तो उनको बॉईल होने में ज़्यादा समय लगता है। और जो घिया वगैरह मुझे बिल्कुल मैश होते हुए पकाने थे तो मैंने सब कुछ एक साथ ही कर दिया। तो पहले मैं आलू निकाल लूँगी, उसके बाद में मैं बाकी की चीज़ें निकालूँगी। और अगर डोसे की रेसिपी इस वीडियो में अगर आप नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से, तो मेरे लास्ट टाइम के शरद नवरात्र के ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डोसा की रेसिपी बताई हुई है। और आप घर में इजीली डोसा बना सकते हैं, वो भी फलाहारी। और वैसे सब लोग सोचते हैं कि व्रत में कुछ अच्छा बना के नहीं खाया जा सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ देखो, वैसे तो कहते हैं कोई अब ना बनाने के सौ बहाने, जिसको नहीं आता वो ये कहेगा व्रत में ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर फलाहारी खाना बनाया गया है तो वो व्रत में ही खाने के लिए बनाया गया है। हाँ ये है कि पूरे दिन चराचर नहीं खाना चाहिए, एक टाइम ही खाना चाहिए। आप चाय पानी पी सकते हो, पेट भर के जो है एक टाइम ही खाना खाना चाहिए, जो कि संध्या समय में, ठीक है। तो उसी के लिए हम कुछ भी अच्छा सा बना लेते हैं जो कि ठीक हो, बहुत ज़्यादा तेल मसाला ना हो लेकिन ठीक ठीक हो, है ना। तो अब मैं ठंडा करने के लिए रख के आ रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पीसना है बिल्कुल चटनी के जैसा, बारीक प्योरी बनानी है इसकी, तभी इसका सांभर बनेगा। और अब मैं लग गई हूँ पता नहीं क्या ढूँढने, क्योंकि कई बार किचन में काफ़ी सारी चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, और जब खाना बनाने जाओ तो किचन का थोड़ी देर के लिए तो भाड़ जैसा बन जाता है, क्योंकि मैं एक साथ दो तीन काम करती हूँ किचन में, तो इसलिए पूरी प्लेटफॉर्म फैली हुई सी लगती है सभी को। अभी भी पता नहीं मैं क्या ही ढूंढ रही हूँ, मुझे भी याद नहीं अब तो, क्योंकि आवाज़ बैठने की वजह से ना इतना टाइम हो गया। जो कि अब जो है यहाँ पर मैंने कर दी है सांभर बनने की तैयारियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो भी व्रत में आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं वो कीजिए। ऑयल का मतलब ये नहीं कि आप सरसों का तेल ही डाल देंगे, व्रत में यूज़ करने के ऑयल अलग आते हैं, जैसे आप पीनट ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं व्रत में। तो मैंने लिया है ऑयल और उसमें मैंने जीरे के साथ कर दिया है क्रश जो है अदरक, और यहाँ पर मैं उसका जो है भरवा मिक्सर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने दूसरे गैस पर भी कढ़ाई चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से एक साथ दो दो काम करती हूँ। मुझे एक ही काम को लेके बैठना है ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरा मतलब ये होता है कि अगर लग गए हैं तो फटाक से निपटा दिया जाए, ना कि उसको रेल की जैसे धीरे 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 टिक 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 करते जाएं और दो मिनट का काम आप आधे घंटे में मस्ती करें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए थोड़े से टमाटर वगैरह इसमें, हरी मिर्च काट करके, जिसको मैं थोड़ा सा हल्का फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं आलू इसमें डाल दूँगी क्रिस्पी होने के लिए, थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर बाकी के मसाले और हरा धनिया डाल करके ये बन जाएगा हमारा पेस्ट। आप चाहें तो और भी ऐसी व्रत वाली चीज़ें खाते हैं जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। मुझे ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो जो है अब ये इतने पकते हैं, इतने मैं इनको फोड़ फोड़ के और कामों में लग जाऊँगी। तो अभी क्रिस्प होते जा रहे हैं, इसको मैं जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी करके, और ये छिलके वगैरह मैं कर देती हूँ साइड में, नीचे में मैं पतीला टाइप या कभी तो डस्टबिन में डाल देती हूँ, कभी पतीले में, जैसा भी होता है। जैसे अपन चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो मैं चाय का पतीला अगर वो रह जाती है उसमें कुछ, तो मैं गीले उसके लिए एक साइड करती रहती हूँ जो भी साग सब्जी का है। और जब मेरा खाना बनना फिनिश हो जाता है फिर उसे फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ काम, कि सब कुछ कूड़ा एक में ही मिक्स ना हो, गीला सूखा। वैसे तो अब दिल्ली नगर निगम तो आने ही लगी है गाड़ी की, गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले रेडी कर रही हूँ जो कि मुझे इस पेस्ट में डालने हैं।
जो बन रहा है यहाँ पर, सेंधा नमक जो है उसकी रखे रखे गुठलियाँ बन जाती हैं कई बार, क्योंकि मैं इकट्ठा ही ला करके रख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि हर नवरात्रि में यहाँ ही आएगा, क्योंकि नॉर्मली एकादशी वगैरह पर भी करने के लिए कुछ बन जाता है, या बीच में कोई व्रत पड़ जाते हैं उसमें, तो इसलिए व्रत के सारे सामान मैं रखती ही हूँ। और ये मैंने डाला अमचूर, काफ़ी सारे ऐसे मसाले हैं जो हम व्रत में यूज़ कर सकते हैं, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप भी जो करते होंगे वही यूज़ कीजिएगा। मेरे कहने पर ये नहीं कि दीदी ने ये यूज़ किया हम भी ये कर लें, वो कहीं आपको घर में डांट पड़े, तो आप वही कीजिए जो आपके घर में रीति रिवाज है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के रीति रिवाज तोड़ करके कुछ और करें, है ना। तो मैं इस चीज़ को पूरा मानती हूँ कि घर के रीति रिवाज देख करके चलना चाहिए। मेरे घर का तो ये है कि पूजा पाठ इतना ज़्यादा होता नहीं था पहले, मेरे आने से पहले सब कुछ मेरे आने के बाद ही शुरू हुआ, तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है। जो नियम है सब वो मेरे आने के बाद ही बने हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ही बनाए हैं, क्योंकि पूजा की शुरुआत व्रतों की शुरुआत यहीं से हुई है। तो जो मैं पहले से करती आ रही थी वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज भी, और कुछ अच्छी अगर मुझे चीज़ सीखने मिलती है तो मैं वो अपनी हाँ जो है पूजा रूटीन में ऐड कर लेती हूँ, या अपने फास्ट व्रत त्योहारों में ऐड कर लेती हूँ। वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जानने की, जब आपको जो चीज़ अच्छी पता चल जाए उसको जब से फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता, कई लोग ये कहते हैं कि अभी तक हम ये नहीं करते आ रहे हैं, अब ये कैसे करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आपको अच्छा ही फल देगी, कभी कोई बुरा फल नहीं दे करके जाएगी। अब अच्छा फल भी लोग सोचते हैं, पता नहीं लोगों की निगाह में अच्छे बुरे फल की भी अलग अलग डेफिनेशन है, आपकी नज़र में क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स वगैरह में दे सकते हैं मुझे, और मैं बार बार कह रही हूँ जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके कुछ भी पूछते हैं कृपया करके कमेंट में पूछा करिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि आप क्या पूछते हैं क्या नहीं, है ना। बट यहाँ उल्टा होता है, कुछ पूछना होता है तो डीएम में आते हैं, और जो बुराइयाँ करनी होती हैं तो कमेंट्स में आते हैं। ये फंडा मुझे समझ नहीं आता है, मतलब अगर अच्छाई करनी है तो तुम इतना छुपा करके दीदी को अच्छा दिखाओगे, और किस दीदी क्या मतलब जिसके लिए बुरा है उसके लिए क्या दीदी और क्या क्या, कोई रिलेशन मैटर नहीं करता। जो बंदा आपको बुरा ठहराना चाहता है तो, और अगर बुराइयां करनी होती है तो सीधा कमेंट में आगे करते हैं, है ना, ताकि जो लोग न्यू हैं वो उनके नक्शे कदम पर चलने लग जाए। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती भाई, मैं तो कभी किसी के कमेंट में जाके बुरा कमेंट नहीं करती। हाँ पर्सनली अगर मान लो कोई गलत लगता है तो अपने क्लोज वन से कुछ ऐसी बातें मैं कर भी लेती हूँ कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमेंट में जाके किसी को नीचा दिखाऊँ कभी भी। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। यहाँ भी कई बार ऐसे लोग आते हैं कि जो सीख भी रहे हैं मुझसे ही और बुराई भी आके मुझे ही दे रहे हैं। तो देखो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, बुराई में दो, बट एटलीस्ट आप ये देखो कि आप बुराई किस प्लेटफॉर्म पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आप, और भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ, कोई भी हो मैं या कोई भी, अगर आपको वो बंदा पसंद नहीं है तो आप उसको मत देखिए। देखो आप भी कम इरीटेट होंगे, और ना आप उस बंदे को इरीटेट करेंगे तो ना वो बंदा ही मेरे साथ पढ़ने जो पसंद नहीं है उसको देखेंगे ना, देखेंगे ना पूछेगा ना, देख करके ना हमें दिमाग ख़राब होगा ना हम पैनिक होंगे ज़्यादा। तो अवॉइड करो वो चीज़ें, ऐसा नहीं बंदे ही, ऐसी कोई भी आदत, कोई भी चीज़, कोई ऐसे टीवी में भी कुछ ऐसा आ रहा है जो अगर आपको टेंशन देता, जैसे मुझे न्यूज़ बहुत टेंशन देती है, मैं न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ, है ना, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा यही बताते रहते हैं अब इतने लोग वहाँ मर गए, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अरे वैसे ही चार दिन की जिंदगी है, उसमें भी अगर हम यहाँ वहाँ की टेंशन लेने लग गए तो कितना जीने वाले हैं। तो इसलिए वो चीज़ देखिए जो आपको हैप्पी रखती है, वो चीज़ सुनना पसंद कीजिए जो आपको हैप्पी रखती है, वो चीज़ देखना पसंद कीजिए जो आपको हैप्पी करती है, जिससे आपको कोई नॉलेज मिलती है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मैं भी पसंद नहीं हूँ तो आप ना देखें, और अगर पसंद हूँ आपको, और अगर आप चाहते हो कि दीदी को सपोर्ट करना चाहिए तो आप आगे वीडियोज़ को भी किया कीजिए फॉरवर्ड, और लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग हैं ना वीडियोस देख लेते हैं और सीख भी लेते हैं, लेकिन लाइक करने में और कमेंट करने में पता नहीं किस चीज़ की इच्छा लगती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये चीज़। और देखो अगर आप कमेंट भी नहीं कर सकते, मैं तो यही कहती हूँ कि एक छुपके से लाइक ही कर दिया कीजिए। देखो वो ना मुझे पता चलता है कि कौन लाइक कर रहा है, ना औरों को, आपको पता है और आपके भगवान को पता है, या मेरे भगवान को, भगवान सबका है खैर,
बट यही है कि भगवान को ही पता चलेगा कि आप क्या करें क्या नहीं। तो अपने यहाँ पर पेस्ट बना के रखने के बाद में जो हमारा घी का पेस्ट ठंडा हो गया और यहाँ मैंने मसाला पका के रख दिया है, तो मैं गैस बंद कर दी थी। अब ये जब घी ठंडा हुआ है तो मैं इसको पीस रही हूँ, घी और टमाटर मिक्स। और यहाँ मैंने हमारा निशाना कच्ची को डालने के लिए सीख ली, कई बार मैं ऐसे कर देती हूँ जल्दी। ये मेरी गंदी आदत है कि भाई जो देखो अपनी गंदी आदत वो बता देना चाहिए। तो अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। उसके बाद बस जो मैंने बैटर बना के रखा है, आधा सामकिया और आधा जो है साबुदाना, मैंने पहले से ही भिगा दिया था 4-5 घंटे भीगने के बाद। मैं अब उसको पीसूंगी दही डाल के, और उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकते हैं, चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने और बैटर बना के भी कुछ देर रेस्ट पे रख दिया है। जब तक मैं ये सब चीज़ें करती हूँ वो रेस्ट पे हो जाएगा, और उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी डोसा। और डोसा बनाते बनाते आप उसमें फिलिंग कीजिए। डोसा बनाने का हाँ प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसलिए मैंने कहा पिछले नवरात्रि की वीडियो में मैंने प्रॉपर दिखा रखा है कि डोसा किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर किचन में बहुत हो जाता है, किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो है बस यही है आप सभी के सामने। बस कोशिश करती हूँ कि जैसा भी है घर उसको सुंदर बना के रखने की कोशिश करूँ, अच्छा सा साफ सुथरा, जो कि आप सभी के सामने है कि कैसा है कैसा नहीं है। अब कुछ लोग तो इतना देखने के बाद ही बस कमियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो करता है उसी को पता होता है कि वो कितना कर रहा है। और अगर आप उसकी जगह पर अपने आप को लेके आके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती है, खास करके मेरी जगह जिसमें कि घर के साथ साथ बच्चे का, बच्चे के साथ साथ फिर बाहर का और बाहर की जिम्मेदारियाँ भी संभालना बहुत काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पति को बोल दो जी आप ये ले आओ, जी आप वो कर लो, या बच्चे हैं आप ये कर दो जी वो कर दो। एक अकेला बंदा जो कि सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर लेने की ट्राई करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा वाली जिम्मेदारियां हो जाती हैं। क्योंकि मैं हस्बैंड को इसलिए भी ज़्यादा टेंशन नहीं देती हूँ, क्योंकि देखो आदमियों को वैसे ही ऑलरेडी बहुत काम होता है ऑफिस वगैरह का, और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, और उसमें हम घर की भी टेंशन लेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं समेट सकती हूँ, जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, वो मैं ही निपटा दूँ, पति देव को पता भी ना चले कि क्या काम कहाँ और कैसे हो रहा है। और संग के संग देखो यहाँ पर मैं फ्रिज की सफाई भी कर रही हूँ, मैं ऐसे करती रहती हूँ बीच बीच में, जब मेरे सफाई का कीड़ा जाग जाता है मैं बीच बीच में सफाई भी करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने उठा लिया अपना नॉन स्टिक पैन जिस पर मैं डोसा बनाने वाली हूँ। एक बार तो मैंने नॉन स्टिक पैन में पराठे बना बना के इतना ख़राब कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं मैंने इस पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगाया है और फिर पानी की छींटे दे करके कपड़े से साफ किया है तवे को इस तरीके से बार बार। आपको हर डोसे से पहले यही सेम प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ मैं छोटा सा गौ माता के लिए बना रही हूँ। गौ माता को पहले भोग कन्नू नन्नू का, फिर जाके मतलब माता रानी का भी। यहाँ छोटा सा प्यारा सा डोसा हमारी गौ माता के लिए रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे बड़े डोसे भी बना लेंगे। और आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। तो ये हमारा बड़ा डोसा भी तैयार हो गया और लगेगा अभी माता रानी का भोग। राधे राधे, जय माता।